हेलो, सत श्री अकाल जी सारे, स्वागत है थोड़ा अपने यूट्यूब चैनल शुभम जैन ए बी सी एग्जाम प्रैप दे विच। आज आप कुछ ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन देखने हैं जी, जिहड़ा एक्साइज इंस्पैक्टर का एग्जाम का एक्साइज इंस्पैक्टर का एग्जाम होया सीगा 21 मई नूं, ठीक है जी। तो उहदे विच मेरे अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन जिहड़े हैगे थोड़े डाउटफुल हैं जी, ठीक है। वह किवें क्लेम कर सकदे हो विद प्रूफ, असीं तुहानूं इत्थे दिखा रहे हैं जी, तां तुसीं जदों भी थोड़ा ऑब्जेक्शन पोर्टल ओपन होएगा तां तुसीं उहनूं क्लेम कर सकदे हो, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं, सैट ए दे ही सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं डिस्कस करांगा जी। सैट ए दे विच क्वेश्चन नंबर है जी 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जिहड़ा है जी, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया दे विच कदों इंट्रोड्यूस किया गया ये बारे पूछ रहे थे। देखो ये दे विच दो डाउट्स ने, एक तो ऑप्शन नंबर ए करैक्ट हो सकता, एक ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 दे विच प्रूफ जिहड़ा है इत्थे दिता होया कि प्रिंसीपल ऑफ रीप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम की गल नहीं है, देखो रीप्रेजेंटेशन सिस्टम जिहड़ा है जी, ठीक है। वह हूँ पार्लियामेंट्री सिस्टम नाल आपां कंपेयर करते हैं, क्योंकि व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो आप बोलते हैं तो यह चीज़ ही आता है कि रिप्रेजेंटेशन जी है वह की जाती है, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम यही होंगे वैसे तो, ठीक है, लोगों द्वारा चुने हुए लोग जो है जी राज करते हैं। लेकिन देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए यही की है जी, जो 1919 वाला एक्ट है वो इन्होंने इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो गल की तो बाई कैमरा लैजिस्लेचर जो है उदों इंट्रोड्यूस किया गया जी, वो इतने मैनशनड है थोड़ा पेज नंबर 316, ठीक है जी। ये अपनी स्पैक्ट्रम की स्टैंडर्ड बुक है, विद पेज नंबर तुसी क्लेम कर सकते हो। इतने बाई कैमरा लैजिस्लेचर है जी मेन अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया के आया सी, यानी कि दो पार्लियामेंट हाउसेज बने हैं। देखो अगर इतने पार्लियामेंट्री सिस्टम की ही गल करने हैं तो एक एक्ट सी 1861 का, वो भी रिप्रेजेंटेशन दे दी गई थी, लेकिन ठीक है, तो वैसे तो फिर 1861 तो स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन इतने नंबर ऑफ इंडियंस जो है मतलब कि जोड़े उस इंपीरियल लैजिस्लेटिव जिन्होंने आप पार्लीमेंट कहते उस समय वो जे इंडियनस आने पेल सिर्फ गवर्नर जनरल वालों नॉमीनेट किए जाते हैं, लेकिन 1892 के कि इंडियनस लोग ही यू की करे चूज़ करे, ठीक है। इस करके भी आ सकता है, यानी कि दोनों के दोनों ऑप्शन राइट बनते हैं, ठीक है। असं ये नहीं कहते कि 1892 वाला तो बिल्कुल ही गलत यही आना चाहिए सी, तो हाँ क्वेश्चन का क्लेम है जी, मतलब कि इस क्वेश्चन जोड़ा है वह निकाल देना चाहिए पेपर के, ठीक है। सही गलत कुछ नहीं है जी, दोनों सही बन सकते हैं। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 83, सैट ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्वेश्चन की गल करिए तो सारे पता है ये तो अपना सारे का सही जाऊगा ही जाऊगा जी, ठीक है। जिद मोनीटर की रेजोल्यूशन की गल की गई है तो वह जिन्हें थोड़े पिक्सल क्लोजर होंगे तो वही वाला ऑप्शन सही जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी करैक्ट आएगा, ठीक है। उस तो बाद है जी क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 देखो पंजाबी का क्वेश्चन है, आंसर की जी है वह आंसर नंबर ए टिक किया गया जी, उसने भी जोड़ा उसने वर्ड है जी इस वाक के पूछा गया कि है। देखो एक वचन है कोई डाउट नहीं, ठीक है, करता है कोई डाउट नहीं, लेकिन इतने परखवाची लिखे जी, पुरखवाची तो नहीं लिखे इन्होंने। अगर तुसी पंजाबी लैंग्वेज का पेपर लै रहे हो तो पंजाबी दे तुसी मार्क्स जो मिल थोड़ी थोड़ी बिंदी अद्धक टिप्पी की भी गलती कट रहे हो, जिम्मे एक जिमीदार वाला क्वेश्चन सीगा, ठीक है, उहदे विच मोहरा गलत करता, इन्होंने मोहरा वाला ऑप्शन राइट किया होया, तो फिर तो थोड़ा परखवाची पड़नाव भी गलत है ना, तो परखवाची पड़नाव तो कोई होंगे ही नहीं, या तो फिर तुसी इत्थे और पुरखवाची पड़नाव पाओ तो फिर असी मन्नांगे, ठीक है। यानी कि उसने नू वैसे अनिश्चयवाचक निश्चयवाचक पड़नाव असी इस कैटेगरी के इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि पेपर के परखवाची पड़नाव तो असं बिल्कुल गलत करांगे जी ऑप्शन ए तां, ठीक है, जो क्योंकि पेपर के इन्नी नर्वसनैस के बच्चा बैठा हों तो ऑप्शन एलीमीनेट भी कर दिया, तो परखवाची पड़नाव तो कोई होंदा नहीं है तो उन्होंने तो गलत करूगा, लेकिन आंसर की उन्होंने ए लिखे हुआ है। पंजाबी लैंग्वेज का पेपर है, कोई मैथमैटिक का पेपर नहीं है कि यह गलती कंसीडर नहीं की जाऊगी, यह गलती बिल्कुल कंसीडर की जाऊगी जी, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत मनना, ठीक है। इस ऑप्शन इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा फिर पेपर के कट दें, ठीक है, यानी कि आउट ऑफ 98 ही बना मैरिट जे बनानी है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन से जी मेरे अकॉर्डिंग, बाकी अगर थोड़ा लगता कि कोई डाउट है तो सेंड कर सकते हो, असं चैक कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।